नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज जो शेयर की हम चर्चा करने वाले हैं HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको लेकर के एक बहुत अच्छी न्यूज आई है दोस्तों, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। प्लस हम चर्चा करेंगे कि शेयर प्राइस जो HUL का चल रहा है वो क्यों थोड़ा सा वीक होते हुए दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, और ये जो रैली है ये क्यों अब थोड़ी थमती हुई दिखाई दे सकती है आपको FMCG सेक्टर में भी। और प्लस चर्चा करेंगे कि ये जो न्यूज है उसका आने वाले समय में क्या असर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे ना ये दूसरों को रिकमेंड होगा और हमारे चैनल की ग्रोथ में वो सहायता करेगा। दोस्तों आपने अभी तक साथ दिया है, प्लीज वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए ताकि औरों को ये रिकमेंड हो और हमें भी हमारे काम को प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले HUL शेयर की तरफ, और आप देखेंगे कि आज ये थोड़ा सा फ्लैटिश सा कारोबार रहा दोस्तों, है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, देखिए HUL में एक चीज समझिए कि जो ऊपर की तरफ जो 2500 है ना दोस्तों, 2500 ये एक बहुत बड़ा हर्डल है दोस्तों। और पिछले बार 2502 को छूने के बाद वहां से जो टूटा गिरावट शुरू हुई थी वो सीधा 2320 रुपए के आसपास जाके रुकी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अभी HUL में एक बात आप समझ के रखिए कि नीचे की तरफ से नीचे का जो है वहां लगभग जो 2300 रुपए है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, और ऊपर 2500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत ही तगड़ी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं कि जो ये HUL का शेयर है दोस्तों अभी इसलिए भी भाग रहा है क्योंकि बाकी जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा भाग चुके थे, और HUL ये उन स्टॉक्स में से है जब पूरा मार्केट नहीं भागता है दोस्तों तब HUL भागता है, और जब HUL भागता है तो पूरा मार्केट नहीं भागता है, ठीक है। तो दोनों अब इनवर्सली अपोजिट है। लेकिन दोस्तों देखिए अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है ना मार्केट में ऐसी बुल रन है जो इसे 2500 से ऊपर लेके जाए। मुझे अभी 2500 नहीं लगता दोस्तों, अगर इस शेयर को अब भागना है ऊपर तो एक बात याद रखिएगा, इसे 2500 रुपए को तगड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ते हुए दोस्तों, और दोस्तों मैं क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा द वर्ड क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि पिछले बार भी 2500 रुपए तोड़ के ये एक दो मिनट ऊपर रहा था दोस्तों, 15-20 मिनट, उसके बाद से जो गिरावट भयंकर शुरू हुई थी वो सीधा 2400 में जाके रुकी थी दोस्तों, 2320 रुपए के आसपास, ठीक है। इसको जाके अच्छे वॉल्यूम सस्टेन नहीं करता दोस्तों तब तक इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है, लेकिन अगर इसे बना लेता है दोस्तों बच जाता है तो 2550 जो 2550 है दोस्तों वहां ये जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। जो 2550 का आप देखेंगे जो सीधा उसके बाद रुकेगा और इसे तोड़ते सीधा 2600 रुपए दोस्तों, यहां तक का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, बट मुझे ये विजिबल नहीं दिख रहा दोस्तों कि मार्केट में बहुत प्रेशर है। और अभी अगर आप नहीं जान रहे हो दोस्तों तो डाउ जोन्स यानी जो अमेरिकी बाजार है उसमें 350 की जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि हमारे मार्केट के लिए कल के लिए थोड़ा निगेटिव हो सकता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें। और वो तो भगवान का शुक्र है कि आज हमारा मार्केट बंद था, वरना इस मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट विजिबल होती। अब चलते हैं दोस्तों आखिर वो न्यूज क्या है, ठीक है। तो न्यूज है दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है ये, और न्यूज ये है, देखिए फ्री प्रेस जर्नल का न्यूज है, आर्टिकल है, आप जाके वहां भी पढ़ सकते हैं। ये है दैट पिज़्ज़ा हट टाइज अप विद HUL टू ऐड क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम डेजर्ट्स इट्स मेन्यू, मतलब जो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम दोस्तों अब वो HUL के मेन्यू में भी दिखाई देंगी। और इस सब में कैसा स्ट्रक्चर काम करेगा ये आगे इसमें लिखा गया दोस्तों, तो इसमें इस तरह काम करना है दैट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट उनको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं जब पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सब दोस्तों ना क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट ऑन वेंसडे सेड इट हैज पार्टनर्ड विद HUL टू ऐड द FMCG फर्म्स क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम एंड डेजर्ट टू इट्स डाइन इन एज वेल एज डिलीवरी एंड टेक अवे मेन्यू, ठीक है। उन्होंने HUL के साथ पार्टनरशिप की है दोस्तों, जहां डाइन इन फैसिलिटी यानी आप आगे खा सकते हैं, डेजर्ट मेन्यू ऐड करेंगे, प्लस दोस्तों जो वो होता है ना कि आप डिलीवरी के लिए उसके लिए भी, ठीक है। नाउ विद दिस पार्टनरशिप पिज़्ज़ा हट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इट्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाई 10%। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जब HUL ने अपना ऑनलाइन शुरू किया था ना दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट, तब उसको आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा था कि ये जो ऑनलाइन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये देखिएगा पार्टनरशिप इसमें कितनी जल्दी होगी। और सिर्फ HUL नहीं दोस्तों, जब एक बड़ा ब्रांड बनता है ना दोस्तों तो उसके साथ छोटी छोटी जो छोटे ब्रांड होते हैं वो आते आते टाई अप्स करते हैं, जिसका अल्टीमेट फायदा होता है बड़ी कंपनीज को, और आप देखिएगा HUL को इसको कितना फायदा होगा दोस्तों। और अब तो दोस्तों इस क्वार्टर मुझे लगता है मार्केट 3 महीना पूरे अच्छे से काम करेंगे,
जिसके कारण जो पिछले क्वार्टर में जो स्टेट लॉकडाउन लगे थे, इनके जो जो सप्लाई चेन को प्रॉब्लम आई थी, प्लस इनके जो वेयर हाउसेस में प्रॉब्लम आई थी, वो इस क्वार्टर में नहीं रहेंगे, जिस कारण इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं दोस्तों। ये मैं आपको एक चीज समझा दूं, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे इस रिपोर्ट में ये है दोस्तों, बिसाइड पिज्जा हट हैज बिकम द फर्स्ट एवर पिज्जा क्यूएसआर चेन टू ऑफर आइसक्रीम्स एंड डेजर्ट अक्रॉस इट्स ओन एंड एग्रीगेट प्लेटफॉर्म इट एडेड। दोस्तों देखिए, क्वालिटी वॉल्स क्या है ना, ये किसका ब्रांड है, एक्चुअल का दोस्तों। अब इस ब्रांड के साथ क्या जुड़ जाएगा, जितने जो इसके ब्रांड्स हैं, जो पिज्जा के जितने आउटलेट्स हैं इंडिया में हर जगह, वहां अब आपको क्वालिटी वॉल्स के डेजर्ट भी मिलने लग जाएंगे, जिसके कारण किसका फायदा होगा दोस्तों, एचयूएल का। अब आप देखिए कि पिज्जा हट जो एक ब्रांड है, उसको सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे रहा है दोस्तों, डोमिनोज। और इसका सीधा फायदा पिज्जा हट को क्या होगा दोस्तों, फुटमार्क फुटप्रिंट से। अब जब फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे ना दोस्तों उनके ब्रांड्स में, उनके आउटलेट्स में, तो उनके खुद की भी जो सर्विस जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। इसे दोस्तों जो पार्टनरशिप होती है ना, ये सभी बिजनेस को इक्वली अगर ना करे तो भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर देती है, और ये पिज्जा हट को डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा फायदा देगी। नाउ पिज्जा हट एंड द एंग्लो डच एफएमसीजी मेजर यूनिलीवर द पैरेंट कंपनी ऑफ एचयूएल हैव अ सिमिलर गोल पार्टनरशिप अक्रॉस ओवर 25 इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों इंडिया फर्स्ट बैंक फर्स्ट कंट्री नहीं है, पिछले बाकी तो 25 अदर कंट्रीज हैं, और जो इनके इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पे ये ऑलरेडी बिजनेस सेटअप हो चुके हैं, यानी कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है सबके लिए कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनरशिप है, जहां उनको वहां फायदा हुआ होगा इसीलिए उसके बाद वो इंडिया जैसे मार्केट में आ रहे हैं। नाउ कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट द पिज्जा हट इंडिया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नेहा सेड, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू जॉइन हैंड्स विद अ लाइक माइंडेड पार्टनर लाइक एचयूएल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रीटिंग कंज्यूमर टू एन इजी न्यू एक्सपीरियंस ऑफ पिज्जास एंड डेजर्ट्स इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। ठीक है दोस्तों, नाउ पिज्जा हट ओन्ड बाय द यूएस बेस्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्यूएसआर चेन यम ब्रांड्स इनके करंटली हैज 500 स्टोर्स इन इंडिया। दोस्तों 500 स्टोर इंडिया में है इनके, और ये और लगातार जब जैसे ही आप देखिएगा जब ये लॉकडाउन हटेगा दोस्तों, मार्केट दुनिया ओपन होगी, तो लगातार दोस्तों बढ़ेंगे इनके चेन्स। तो एचयूएल को ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, प्लस पिज्जा हट को क्या फायदा होगा दोस्तों, कि अब इनको जो ऑर्डर होगा उसके साथ आप ये जो आइसक्रीम है उन्हें भी ऑर्डर करवा पाएंगे, जिसके कारण इनकी जो नेट सेल्स है उसमें आपको अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज थी एचयूएल को लेकर के। इससे पहले मैंने आपको एचयूएल के शेयर प्राइस के बारे में समझा दिया कि आने वाले समय में क्या कॉशन हो सकता है, बट दोस्तों एचयूएल हर एक डिप में एक मस्ट बाय है, मैं आपको बता दूं, कभी भी घबराना नहीं एचयूएल में, गिरावट हो चुपचाप से एक्युमुलेट करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।